नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरा देश और पूरी दुनिया लॉकडाउन के माहौल से गुजर रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है कितना खतरनाक है और बचाव ही इसका उपचार है, ये आप और हम सभी जानते हैं। लगातार हम सिटी लाइव के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंच रहे हैं, उनके घरों तक पहुंच रहे हैं और ये संदेश लगातार दे रहे हैं कि इसका जो कोरोना का बचाव है वही अपने आप में उपचार है। कृपया अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और अपने घरों में आप जितना ज्यादा रहेंगे उतनी ही आप अपने परिवार की, समाज की और देश की सेवा कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हमने आपसे अलग अलग क्षेत्र के जो विशेष लोग हैं उनसे मुलाकात करवाते रहते हैं। आज इसी कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जो कि सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देश के जाने माने फिल्म निर्देशक और लेखक हैं, जिनकी कई फिल्में जो हैं सुपरहिट हुई हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन को लेकर जो इन्होंने फिल्म बनाई थी भूतनाथ, वो आप और हमको सभी को याद है, और इनकी कई फिल्में जो हैं वो बॉक्स ऑफिस में अपना नाम कर चुकी हैं और आने वाले समय में भी आपकी कई फिल्में आ रही हैं, तो उन्हीं से बात करेंगे। विवेक शर्मा जी, आपका सिटी लाइव में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। ये नमस्कार जो है कोरोना नमस्कार, इसको हम सबको याद रखना है कि हैंडशेक नहीं करना है और कोरोना नमस्कार करना है। निश्चित तौर पर आपने बहुत सही राय दी, अपने शुरुआती दौर में ही आपने एक बड़ा संदेश जो है वो हमारे दर्शकों को दिया है। विवेक जी, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे इस समय जो हमारे देश के और दुनिया के जो हालात हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है। आप फिल्म मेकर हैं, आप कई फिल्में बना चुके हैं, अच्छे राइटर भी हैं और आपके अंदर कई विधाएं शामिल हैं, तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे जो दर्शक हैं देश में इस समय जो आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझनी है कि जो हमारा चलता है एटीट्यूड है, चाहे साफ सफाई को लेकर, चाहे जिंदगी को लेकर, चाहे देश को लेकर, समाज को लेकर, उसको खत्म करना है। जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, घर पर रहिए, बाहर मत जाइए, साफ सफाई रखिए, तो यही मौका है अपने आप को अनुशासित करने का, अपनी जिंदगी और अपनी कार्य प्रणाली को एक रीडिजाइन करने का। और कोरोना जो है वो वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका है अनुशासन, डिसिप्लिन जी। और क्या है, 20-21 दिन हम अगर एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रहेंगे, साफ सफाई रखेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है। हम तो फिल्म लाइन में है, फिल्म लाइन में बहुत भीड़ भड़क्के में काम होता है, यूनिट हमारी 200 से 400 लोगों की होती है और हमारी पूरी इंडस्ट्री का काम बंद है इस समय। और मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूँ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की, कि उन लोग ने वर्कर्स, लेबरर्स, इन सब के स्वास्थ्य का ध्यान रखा, एक्टर्स का, जूनियर आर्टिस्ट का ध्यान रखा और माननीय प्रधानमंत्री की बात मानते हुए सारी फंक्शनिंग बंद की हुई है। तो मेरे मित्र हैं, मेरे कजिन है हिमांशु जो अमेरिका में रहता है, वो मुझे काफी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कोरोना के बारे में कि चाइना में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से ही जाने जा रही है और वो हमको लापरवाही नहीं करनी है। हमको कौन कितने लोग खड़े हुए हैं, हमको कोशिश करना है कि हम, ये साधना तपस्या का टाइम है, जैसे होता ना बोलते हैं कि 21 दिन अगर अगर आप लगातार कोई चीज करें तो वो आदत में शुमार हो जाती है। तो आप 21 दिन साधना कीजिए अपने देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और दूर रहिए, हाथ धोइए, अच्छे से नहाइए, डिटॉल में पानी में डाल के नहाइए, हाथ 5 से 7 बार धोइए और अपने जो काम करने वाले लोग हैं, जो आपके मेड हैं, जो आपके हेल्पर्स हैं, उनको भी समझाइए। इसको कोई भी, इसमें कोई धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई का एंगल नहीं है। कोरोना कोई जात देकर नहीं आता, वो सीधा अटैक करता है, तो उसमें पॉलिटिकल इशू ना बनाए। जी जी, निश्चित तौर पर विवेक जी, जैसा कि आपने बहुत अच्छी जो संदेश है वो हमारे दर्शकों को दिया, हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे हमारे जैसे जर्नलिस्ट हों, लगातार हम 24 घंटे काम करते हैं और परिवार के लिए हमें समय नहीं मिल पाता है, और आज जब हमें या दूसरे जो निजी क्षेत्र में काम करें उनको समय मिला है घर परिवार के साथ रहने का, तो वो क्यों ना आनंद उठाएं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोग जो है ऐसे हैं वो अभी भी चहलकदमी करने के लिए, सेल्फी लेने के लिए मार्केट में चले जाते हैं, बिना किसी काम के अपने घर से निकल रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग? देखिए, वो मैंने कहा है कि इस समय समझ से काम लेना जरूरी है, जरा भी खिलवाड़ ना करें, जरा भी ये ना सोचे कि अरे मैं तो अकेला हूं, मैं अकेला नीचे चले जाऊंगा वॉक करने तो क्या बिगड़ जाएगा। नहीं, एक दूसरे के पास आने से, हवा से,
स्नीज करने से, छींकने से, जुकाम से, हैंडशेक करने से, छूने से, कपड़ों से, कहीं भी कभी भी कोरोना आ सकता है। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल कतई बाहर ना उतरें और घर में अपने परिवार के साथ रहें। पुरानी बातों को याद कीजिए, घर के पुराने अपने शादी के एल्बम निकाल लीजिए और किस्से कहानी याद कीजिए कि शादी में क्या हुआ था, हल्दी की रस्म में क्या हुआ था। बुराइयां कीजिए, चलिए रिश्तेदारों की बुराइयां कीजिए कि फला वाले हमारी मासी ऐसा बोलती थी, फला वो ज्वेलरी हमारी अभी तक वापस नहीं आई। यही मस्ती मजाक का टाइम है। और प्रार्थना जरूर कीजिए, दिन में 2 बार पूजा अर्चना कीजिए, अपने देश के सैनिकों के लिए दिए लगाइए, उनकी सुरक्षा के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए और उन लेबर क्लास के लोगों के लिए जो एक शहर से दूसरे शहर पलायन कर रहे हैं डर के मारे, और सबके स्वास्थ्य के लिए रोज जरूर प्रार्थना कीजिए। चलिए, तो कोरोना को लेकर हमारी चर्चा होगी। जब आपने व्यक्तिगत बात छेड़ ही दी है विवेक जी, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने खूब कहा कि खूब बुराइयां कीजिए, एक दूसरे की चुगलियां कीजिए, तो इससे मुझे एक आपके बारे में बात पता चली कि आपकी जो पहली मोहब्बत थी उसके बारे में हमको पता चल गया। आपकी जो पहली मोहब्बत थी वो थी उर्दू जी, इसमें कितनी सच्चाई? मोहब्बत उर्दू, जी बिल्कुल सच आपने कहा। मुझे संस्कृत, हिंदी और उर्दू तीनों से बहुत तगड़ी मोहब्बत है, और बचपन से मैं इस कोशिश में था कि साहित्य में कुछ काम करूंगा, और बड़ा ही मतलब आनंदमयी समय रहा कि बच्चन साहब ने मेरी शायरी की किताब जिसका नाम है मोहब्बत उर्दू है उसका विमोचन किया, और उन्होंने कहा कि ये साहित्य में काम करते रहो, फिल्में तो तुम बनाते रहोगे मगर जनरली फिल्म मेकर्स जो है वो लिटरेचर पे काम नहीं करते हैं। तो आई थिंक मैं पहला फिल्म मेकर हूँ जिसने हिंदी उर्दू की किताब ये पब्लिश की है, और जरूर मैं आया राजस्थान तो आपको जरूर गिफ्ट करूंगा दीपक जी। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद जी। ऑनलाइन अवेलेबल है जी। एक और बहुत अच्छी बात हमें ये भी पता चली है कि आज 30 मार्च है, और 30 मार्च को एक तो हमारे राजस्थान का दिवस है, राजस्थान दिवस हम लोग मनाते हैं राजस्थान में, और इसके लिए आपको भी बधाई देना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है जी, धन्यवाद, और सबसे बड़ी बात ये है कि 30 मार्च को ही आप मुंबई आए थे जबलपुर छोड़कर, और अपने अपना जो कर्म है, जो अपना काम है वो शुरू किया था, इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे आपका मुंबई आना हुआ? जी, मैंने एक्चुअली एमएससी किया फिजिक्स में, मास्टर ऑफ साइंस में फिजिक्स में, टॉपर था अपनी ब्रांच में, और माँ बाप तो ही चाहते थे कि आईएएस आईपीएस बन जाऊं, मगर जब मैं 5th-6th क्लास में था तब से मेरा सपना था फिल्म मेकर बनने का, और हम हिंदी बेल्ट के मिडिल क्लास के लोगों का कोई बड़े शहरों में कोई कॉन्टेक्ट ऐसा होता नहीं है, मगर मैं मार्च 30 को मैंने श्री महेश भट्ट जी को ज्वाइन करके एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर अपना सिनेमा का सफर शुरू किया, और आज देखिए 27-28 साल हो गए, अपना प्रोडक्शन हाउस बना लिया, म्यूजिक कंपनी बना ली, बुक पब्लिश कर ली, बड़े बड़े कलाकार जैसे बच्चन साहब का आशीर्वाद साथ में है, शाहरुख, जूही माँ, सभी एक परिवार की तरह रहे, और सफर चलता जा रहा। आप अपने बैनर से आपको काफी सारी ढेर सारी अच्छी नई नई फिल्में लाकर दिखाऊंगा, और आज मेरे लिए तो बहुत बहुत ही पावन दिन है कि मतलब मैंने आज एक नया जन्म जिसको बोलते हैं ना, और एक किसी क्रिएटिव आदमी के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और बड़ा कोइंसिडेंस कि आज राजस्थान का जन्म दिवस है, तो हम दोनों को हैप्पी बर्थडे। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर हम विवेक जी आपसे एक बात ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक सामान्य परिवार से जबलपुर से आपकी यात्रा जो है मुंबई तक की रही है, और हर व्यक्ति का बचपन से एक सपना होता है, जब वो टीवी देखता है, जब वो फिल्में देखता है तो उसकी भी इच्छा होती है कि वो कहीं ना कहीं फिल्मों में जाए, काम करे, तो आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देने चाहेंगे, कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? जी, सबसे बड़ी बात यह कि मेरे पिताजी ने उन्होंने एक बार मुझसे पूछा कि परिश्रम का मतलब क्या होता है, तो मैंने लगा कि एफर्ट, एफर्ट करना, परिश्रम, बोले नहीं संधि विच्छेद करो, तो मैंने लगा परिश्रम, तो बोले अब सोचो परी का मतलब क्या हुआ, तब समझ में आया कि परीक्षा के वक्त श्रम, जिस समय आपको लगता है समय खराब चल रहा है और हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, उस समय सबसे ज्यादा श्रम करना है। तो हम क्रिएटिव लोग, जर्नलिस्ट लोग, डॉक्टर्स, ये सारे लोग जो हैं वो पूरी जिंदगी परिश्रम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम स्पेशल लोग हैं, हमारे पीछे हमें दुनिया फॉलो करती है, हम जो बनाते हैं, हम जो कहते हैं उसे दुनिया मानती है। तो मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत मेहनत करके, सीख के, ग्रामर समझ के फिर मैदान में उतरिए। जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, फुटबॉल खेलने जाते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वैसे ही सिनेमा जो है वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। ऐसा नहीं कि आप अच्छे दिखते हैं, आपकी बॉडी अच्छी है और आप पहुंच गए, नहीं, आपको जबान पर काम करना है, बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, कैमरे के सामने कैसे एक्टिंग करनी है, कैसे एक्टिंग करानी है, डायलॉग कैसे बोलना है, ये सारी चीजें जो है वर्कशॉप करके या इंस्टीट्यूट वगैरह से गुजरने के बाद अगर मैदान में उतरे
तो सही दिशा में सही रास्ते में आप आगे जाएंगे, नहीं तो भटकते रहेंगे। स्ट्रगल क्या है, स्ट्रगल जो है वो एक बेसिकली दिशाहीनता है। आपको दिशा नहीं पता तो आप भटक रहे हैं, आपको नहीं पता लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, तो आपका बिना मतलब स्ट्रगल हो रहा, पसीना निकल रहा है। तो इसलिए अपनी भाषा पर अपनी और क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है, नई नई चीजें लेकर आना। आप अगर कभी शाहरुख बच्चन साहब इन सबको काम करते देखेंगे, आपको बिलीव नहीं होगा, 20 20 24 24 घंटे बैठते नहीं है, खाने पीने की कोई फिक्र नहीं होती, इतनी हॉट गरम गरम लाइट्स के बीच में उन लोग को बदन तपाते हुए डायलॉग बोलना पड़ता, आप लोग को लगता होगा एसी में काम चल रहा है, मतलब कोई ठिकाना नहीं होता घर कब जाने वाले हैं क्या करने वाले हैं, पूरी जिंदगी एक भट्टी की तरह होती है। मगर जब उसका अचीवमेंट आता है, लोग जब आपकी वाहवाही करते हैं, तो वो सेटिस्फेक्शन अलग है। निश्चित रूप से विवेक जी, हम यहाँ पर आपसे एक सवाल ये भी मेरे जहन में आ रहा है कि अमिताभ बच्चन, उनसे मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जब आपकी पहली मुलाकात अमिताभ बच्चन जी से हुई थी तो आपको कैसा महसूस हुआ और कहाँ आपकी पहली मुलाकात हुई? मेरी पहली एक्सीडेंटल मुलाकात उनसे हुई थी हैदराबाद में रामोजी स्टूडियो में। हम लोग फिर भी दिल हिंदुस्तानी फिल्म की शूट कर रहे थे, उस फिल्म में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था, शाहरुख की कंपनी में काम करता था, और सूर्यवंशम की शूटिंग चल रही थी। तो बच्चन साहब और जो हम लोग मेन लोग थे वो सब एक ही होटल में रुके हुए थे। तो मैं दूसरे माले से नीचे लिफ्ट लेके आ रहा था, लिफ्ट का दरवाजा खुला, लिफ्ट खाली थी, मैं अंदर घुसा। अंदर घुसा तो मैंने देखा राइट कॉर्नर में एक लंबा सा 6 फुट का आदमी खड़ा हुआ है। तो मैं डर गया उनको देख के, उतने में लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया, मैं बाहर भी नहीं निकल पाया। अब वो दो माले से लिफ्ट जो है वो नीचे आते आते मुझे लगा कि 2 साल से लिफ्ट चल रही उतर ही नहीं रही है। मैं इतना नर्वस हो गया था, इतना डर गया था उनको देख के। बट उनकी खासियत है बच्चन साहब की कि वो इतने अच्छे से हैंडल करते हैं। दरवाजा खुला, उन्होंने पहले मुझे बाहर जाने दिया और मैं बाहर गया, फिर मैंने ऑक्सीजन लिया थोड़ा सा, फिर मैंने शाहरुख को आके बताया कि अरे मुझको लिफ्ट में बच्चन साहब दिख गए थे। तो हर किसी के लिए बच्चन साहब से मुलाकात ही एक अपने आप में इतना बड़ा मोमेंट है। मैं तो इतना खुशकिस्मत हूँ कि श्री रवि चोपड़े जी की वजह से मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और भूतनाथ पूरी हमने साल सवा साल जितना दिन साथ में रहे आज तक रिश्ता जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट अभी 2-3 दिन पहले मैंने उनको मैसेज किया, और वो आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये कोरोना के समय वो बहुत सारे लोगों को स्पेशल अपने बंगले से खाना बना के केटरर्स के साथ मिलके खाना सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वो कहीं बाहर वाहवाही नहीं लेते हैं, वो कहीं बताते नहीं है, वो अपने चैरिटी का कभी नहीं बताते। तो उनके साथ जुड़ना ही अपने आप में एक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, जिसको बोलते हैं आप, मोमेंट होता है। भूतनाथ फिल्म में आपने निर्देशन किया है, तो वो आपका अनुभव क्या बोलता है? मैंने तो सीखा उनसे बहुत कुछ, मतलब सिनेमा तो देखिए मेरे अंदर शुरू से था और मैं अपने आप को बहुत ग्रूम करके बहुत तैयारी करके मैदान में उतरा, तो सिनेमा मेरे अंदर एक नेचुरल एलिमेंट की तरह था, मुझे उसमें परेशानी नहीं थी। शाहरुख के साथ मैंने बहुत काम किया, जूही माँ के साथ किया था, सतीश भाई के साथ, राजपाल के साथ, बच्चन साहब के साथ पहली बार काम कर रहा था। उन्हें हैंडल करना, उन्हें निर्देशन देना, इतने मंझे हुए, इतने सीजन्ड, इतने बढ़िया कलाकार हैं कि आप उनसे बोलो कि दादा बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, दादा खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, एकदम डायरेक्टर्स एक्टर, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं, और जबान इतनी अच्छी, हिंदी इतनी अच्छी, इंग्लिश इतनी अच्छी, उर्दू इतनी अच्छी, और मेहनत में तो मतलब आप उनका कोई सानी नहीं। आप घड़ी में टाइम मिला लीजिए, 11 बजे अमिताभ बच्चन ने कहा आने को, तो आप घड़ी में टाइम मिला लीजिए, 11 बजे और अमिताभ बच्चन की एंट्री, मतलब चांस ही नहीं कि बच्चन साहब, बिल्कुल देखिए आज 50 साल हो गए उनको, मगर आज भी वो उतने ही डेडिकेटेड है। मेरा तो ऐसा अनुभव है कि मुझे लगता है मैंने सब कर लिया, जो पूरे जीवन भर लोग कोशिश करते हैं कि इस तरीके की फिल्म बन जाए, तो मेरी जिंदगी का सफर उससे शुरू हुआ है, पहली फिल्म। विवेक जी, निश्चित तौर पर विवेक जी आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। हम यहाँ पर आपसे ये भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि आप सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई फिल्में बनाते हैं, आपने बच्चों के लिए भूतनाथ तैयार की, और अभी हाल ही में 14 फरवरी को आपकी एक फिल्म रिलीज हुई थी लिविंग रिलेशनशिप के बारे में, गेम कॉल्ड के बारे में। जी जी जी, हाँ हाँ, तो इस फिल्म के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? ये एक्चुअली आज फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए मैंने महसूस किया है कि जो छोटे शहरों से लोग बड़े शहर में आते हैं और उन्हें लगता है कि फ्रीडम का मतलब है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना, फ्रीडम का मतलब है गांजा सुट्टा मारना, फ्रीडम का मतलब है शराब पीना पार्टी करना। नहीं, आपको फ्रीडम मिली है कि आपके अंदर जो भगवान ने क्रिएटिव एलिमेंट दिया, जो माँ बाप ने आप पे पढ़ाई लिखाई पे पैसा खर्च किया है, उसको इम्प्लीमेंट करना। यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को लिव इन रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते देखा, जो बुरी बात नहीं है, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, और रिश्ते बनाना जितना आसान लगता है निभाना उतना मुश्किल होता है।
तो ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ था मेरी जिंदगी में, और एक लिव इन कपल था, उन दोनों के बीच में क्या क्या हादसे हुए और लोगों ने कैसे खेल खेले। उसमें से एक लड़की जो थी वो फिल्म हासिल करने के लिए उसने मुझसे झूठ बोला, उसने अपना पार्टनर छुपा के रखा, और मतलब वो कुछ भी करने को तैयार थी फिल्म हासिल करने के लिए, मगर हम छोटे शहर के लोग ज्यादा संस्कार और ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, और इवेंचुअली उसको फिल्म मिली नहीं, बाद में उसने रिवील किया। तो इस पूरे घटनाक्रम को मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉडर्न तरीके से एक फिल्म में लिख दिया, अ गेम कॉल्ड रिलेशनशिप, की रिलेशनशिप जो है वो खेल नहीं है, आप अगर रिश्ते बना रहे हैं तो उसमें निभाना और जुड़ना भी सीखिए। विवेक जी, आप क्योंकि अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं, आप पूरी हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है उससे भी जुड़े रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो इस तरह के लिविंग रिलेशनशिप होते हैं या हम हमारी प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो हमारे समाज को भुगतना पड़ रहा है? देखिए क्या हो गया है कि मैंने जैसे कहा कि लोग स्वतंत्रता का मतलब कुछ और समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि सेक्सी दिखना, ग्लैमरस दिखना, सेक्स करना ही स्वतंत्रता है, उनको लग रहा है ये घुटन थी हमारे अंदर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक अलग जिंदगी का चैप्टर है, हमारे माँ बाप भी रहे हैं, हमारी बहनें भी रही हैं, मगर मान मर्यादा फॉलो करना, और जो कहते हैं ना कि फैशन शब्द है, फैशन फैशन सबसे अच्छा जो फैशन होता है वो होता है ट्रेडिशन। आज भी देखिए धोती कुर्ता, तिलक लगाना, साफा बांधना, शादियों में क्यों हम सडनली वही कपड़े पहनते हैं, हम रोजाना नहीं पहनते। मैं तो साउथ इंडियंस की बहुत तारीफ करता हूँ कि वो आज भी अपने कल्चर को जीवित रखते हैं, सरेआम वो लुंगी और कुर्ते में निकलते हैं और धोती में निकलते हैं और प्राउड से निकलते हैं, तिलक लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, वो अच्छे चांट करते हैं, मंदिर जाते हैं। मगर बड़े शहरों में ना ये वर्क कल्चर की वजह से, जल्दीबाजी की वजह से, न्यूक्लियर फैमिली की वजह से धीरे 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 ये संस्कार खत्म होते जा रहे हैं कि रामचरित मानस, रामायण पढ़, आप बिलीव नहीं करेंगे मैं बहुत सारे एक्टर्स को पूछता हूँ कि ये छंद और चौपाई पढ़ के सुनाओ, उन लोग ने छंद और चौपाई सुनी ही नहीं होती, उनको मालूम ही नहीं होता ये है क्या, उनको लगता है दिस इज नॉट कूल, ये कोई बेवकूफी है, कोई पुराने डेटेड उसकी बात कर रहा है। अब देखिए धीरे धीरे जैसे कोरोना, जनाब कोरोना ने एंट्री मारी है तो सब पूजा पाठ, जाप मंत्र, रामायण महाभारत सब शुरू हो गया है, मुझे लगता है कि समाज में बहुत नेगेटिव फर्क पड़ता है, और हमारी जो परंपराएं हैं उस पर भी लोग वापस आ गए हैं, लोग हाथ जोड़ रहे हैं, एक दूसरे से गले नहीं मिल रहे हैं, हाथ नहीं मिल रहा है, लग रहे हैं, यहाँ तक कि वो चुंबन तक नहीं करे, वरना मिलने पर लोग गले भी मिलते थे, एक दूसरे को चुंबन भी करते थे, लेकिन अब वो जो हमारी सनातन, हाँ हमारी सनातन परंपरा है उसकी ओर आ रहे हैं, और तब जाकर कहीं देश का और दुनिया का जो है वो हम सही रास्ते पर आएंगे, भला होगा। और विवेक जी, आपके बारे में हमें एक बात और पता चली जो शायद हो सकता है लोगों को मालूम नहीं हो, आप अच्छे सिंगर भी हैं, आप गाते भी अच्छा हैं, तो हम चाहेंगे कि क्योंकि थोड़ी सी दो चार लाइनें आप हमारे दर्शकों को गाके सुनाएं, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि आप अच्छे गाते भी हैं। नहीं, मैं गाना मैंने सीखने की कोशिश की थी अपने उस्ताद सज्जाद हुसैन जी से, ग्वालियर घराने से, मगर मैं चूंकि अभ्यास में नहीं हूँ, रियाज में नहीं हूँ, तो अभी उतनी अच्छी प्रैक्टिस में नहीं हूँ, मगर आपने बोला है तो मैं आपको अपनी शायरी की बुक से एक दो शेर जरूर सुनाता हूँ जो शायरी के अंदाज में होगी। मैंने अपनी माँ और अपनी पूरी दुनिया की जितनी भी माएं हैं उनको समर्पित करते हुए एक शायरी लिखी है जो बच्चन साहब ने 2013 में ट्वीट कर दी थी, उसके बाद ये बहुत वायरल हो गई, आज लोग उस शायरी को अपनी मदर्स डे के दिन अपनी माओ को शेयर करते हैं, डेडिकेट करते हैं। वो कुछ इस तरह है, हम भी हमारे कार्यक्रमों में आपकी ये शायरियां यूज करेंगे। बिल्कुल 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 कीजिए, क्या अच्छी चीज जितनी फैले उतना बढ़िया होता है, बोलते हैं ना अच्छाई में सबसे बड़ा यही गुण होता है कि वो डबल होती जाती है। तो जी, वो जी, शायरी कुछ इस तरीके से है कि मांग ले मन्नत कि फिर ये जहां मिले, मांग ले मन्नत कि फिर ये जहां मिले, मिले वही गोद फिर वही माँ मिले। हमको भगवान ने इतनी बढ़िया माँ और इतनी अच्छी गोद दी है कि बस हर जन्म में वही माँ मिलती रहे हमको। ये मैंने अपनी मदर और सारी माओं को डेडिकेट करके लिखा था और बच्चन साहब को बहुत ही पसंद आया, तो उन्होंने ट्वीट किया था, वो बहुत वायरल हुआ, ये बहुत चलता है, ये मेरी फिल्म का गाने का बिगिनिंग का दोहा भी है। वाकई ये काफी अच्छी आपने लाइनें लिखी है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में भी इस तरह हमारे देश को, समाज को, हमारे युवाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को कुछ नया, क्रिएटिव और कुछ बेहतर दे सकें। चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगा कि बिना वजह पॉलिटिकल इश्यूज मत बनाइए, तिल का ताड़ मत बनाइए, देश के साथ जुड़कर चलिए, और आप खुद क्या देश को दे सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है,
सैनिकों के लिए हमेशा पूजा कीजिए, देश के प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की लंबी उम्र की दुआ कीजिए, और अपने परिवार का और अपने माता पिता का जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना आप जीवन में एक कदम भी नहीं ले पाएंगे। और हम लोग का भाग्य है कि हम महाभारत वर्ष जैसे सनातनी जमीन पर जन्मे हैं, तो उसका लुत्फ उठाइए, अपनी विरासत पर गर्व कीजिए और अपने भारत को पूरी दुनिया में वापस विश्व गुरु की तरह स्थापित कीजिए। तो विवेक जी, आपने मुंबई से हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप सफल हों और आगे तरक्की करते रहें। शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद विवेक जी, धन्यवाद।